नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम कंपनी का जो डिस्कशन करने जा रही है उसका वजह यह है कि कंपनी का नाम देख सकते हैं जैश इंजीनियरिंग। तो जब ये देखो 50 डेमा और 200 डेमा हमेशा ऊपर चल रहा है 50 डेमा, और जो आपके चार्ट पैटर्न है वो स्टॉक का प्राइस है 50 डेमा को जब भी आता है तो एक वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है। देख सकते हैं जून 23 में इसमें बाइंग आई थी, ठीक है, जून 2023 में। फिर इसमें बाइंग आई अगस्त 23 में, फिर वो नीचे आया 50 डेमा के पास, फिर से इसमें बाइंग आई अक्टूबर 2023 में 1337-45 के तकरीबन, फिर वो नीचे आया, फिर उसने किसी ने तो भी इसमें बाइंग की है, फिर वो नीचे आया, फिर इसमें बाइंग हुई है। ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा है और हाई वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग होती है। मतलब जब भी इसमें 99% ये चांसेस है जब भी ये 50 डेमा को टच करेगा तब ये बाइंग आएगी। और मेन मतलब अभी लेटेस्ट में इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो अपने 50 डेमा के पास में आया है, और वहाँ से फिर से इसमें हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। और इतना ऊपर जाने के बाद जब इसने अपना जो हाई बनाया था वो बनाया था तकरीबन 2400-2400 रुपये के पास में, डबल टॉप बनाया था, पर बहुत ज़्यादा गैप था 250 डेमा और अपनी करंट प्राइस के बीच में। लेकिन जो मार्च में मोदी ना आने की वजह से या फिर इलेक्शन का जो डर था जिसकी वजह से एबाज में इसने भेज दिया, और जिसकी वजह से जो पैनिक आया उसकी वजह से फिर से इसमें जो डिस्टेंस है 50 डेमा और करंट प्राइस का वो ज़्यादा नहीं रहा, जिसकी वजह से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अपना वो बहुत ही अच्छा बैठ रहा है। कंपनी का नाम तो देख लिया होगा जैश इंजीनियरिंग। और मेन मतलब जो सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट बात है, ये कंपनी धंधा करती है वाटर के रिलेटेड, और आपको मालूम है आगे जाके जो वॉर होने वाली है वो सब वाटर के लिए होने वाली है, क्योंकि पानी की लेवल कम होती जा रही है। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली बनाती है इक्विपमेंट जो कि वाटर इंटेक सिस्टम, वाटर वेस्ट वाटर पंपिंग स्टेशन और ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब जो आगे जाके पानी तो बढ़ने वाला है नहीं, तो पानी को प्यूरीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए ये कंपनी काम में आएगी। इसलिए इसका धंधा बढ़ रहा है, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पंप, इस सारे प्लांट में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होते हैं। अगर इसका मार्केट कैप देखे तो 2782 करोड़ का है, P/41 का है जो कि एवरेज माना जाता है, 25 का ROCE और ROE 22 का जो कि अट्रैक्टिव है। FRDIS ने इसमें होल्डिंग कम किए, देखते क्या हुआ है। तो और EPS 28, सेल्स की ग्रोथ 19 3 साल की, और प्रॉफिट की 29। तो ये जो पैटर्न होता है ना EPS सेल्स और प्रॉफिट, जिसमें सेल्स थोड़ी सी कम और EPS और प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली एक जैसे हो, तो वो उसका जो चार्ट पैटर्न होता है ना वो ऊपर जाता है। और जिसकी वजह से क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ते रहता है, सेल्स बढ़ते रहता है, EPS बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से उसका जो PE है ना वो कम होते रहता है और भाव बढ़ते रहता है, PE कम होते रहता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिवनेस हो रहती है कंपनी के चार्ट में या फिर स्टॉक के प्राइस में वो एक अच्छी बात रहती है। इसलिए ऐसे स्टॉक को हमेशा बाय कर लेना चाहिए, लेकिन जब भी वो अपने सपोर्ट पे आए। तो अभी देखते हैं अपन मार्च 2022 में 157 करोड़ का इसका सेल्स था, ठीक है, मार्च 2023 में 169, और अभी बढ़ के 2017 हो गया 217 हो गया। लेकिन अगर देखें मार्च जून सितंबर और दिसंबर में कम होता रहता है, दूसरा जून 2023 में देखें तो फिर उसमें भी कम हो गया, सितंबर दिसंबर में भी, मतलब आगे जाके जो जून सितंबर और दिसंबर आएगा उसमें भी कम रहेगा। लेकिन अब अगर आप चार्ट पैटर्न देखें मार्च का, तो अपन देखते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। अब ये देखो ये कब का है, ये मार्च अप्रैल का है, ठीक है, मार्च में इसमें अपना जो सपोर्ट है वो लिया, और अप्रैल अप्रैल में इसका जो शेयर का भाव है जून में बढ़ गया, सितंबर में बढ़ गया और दिसंबर में फिर से बढ़ गया, ठीक है। मतलब मार्च में खरीदना चाहिए और सितंबर जून और दिसंबर में इसमें बढ़े रहने चाहिए। अभी फिर से देखते हैं अपन मार्च में क्या हुआ था। देखो मार्च में फिर से सपोर्ट लिया और जून सितंबर में बढ़े, मतलब ये अभी दिसंबर तक बढ़ेगा, इतना ध्यान रखना है आपने।
तो अगर हम इसका ईयरली बेसिस पे देखें धंधा, तो 2020 में 278, फिर 2299 हो गया, 368 हो गया, 402, 516 में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 14-15 की जो इसकी मार्जिन थी वो 19 की हो गई है। EPS जो 16-25 का था वो 53 का हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। अगर CWIP देखे तो 6 करोड़ में कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है। 58 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से धंधा आया है। 22 करोड़ का इसका कैश फ्लो है। डेप्टर डे 142 से कम हो गए, 111 हो गया, जो कि अच्छी बात है। FIS देखे तो 1.21 से 1.418 हो गए, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन उनका भरोसा बने हुआ है। 3.95 से कम होकर DIS की पोजीशन 3.59 हो गई है। पब्लिक ने इसमें बढ़ाई है अपनी हिस्सेदारी और प्रमोटर ने भी थोड़ी सी भेजी है। ये जो मोदी का डर था इसकी वजह से FIS और DIS ने थोड़ी सी होल्ड अपनी पोजीशन कम कर दी है, लेकिन ये आने वाली कंपनी है, भविष्य है इस कंपनी का, इसलिए आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं बाइंग। ये अपना कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, लेकिन कैसा है ये एजुकेशन पर्पस के लिए। और देखना आप, जैसे मैंने अपर इंडस्ट्री का बताया था, शिल्चर टेक्नोलॉजी का बताया था, अवंटल का बताया था, उसी तरह जैश इंजीनियरिंग भी और कवोई का मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटलिटी का बताया था, उसी तरह ये जैश इंजीनियरिंग का भाव भी यहाँ से बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना आपने। अगर आपको NSE अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।